वाराणसी टकटकपुर अजय विहार कॉलोनी में स्थित MBS कॉन्वेंट स्कूल में नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका संचालन संस्था की डायरेक्टर एकेडमिक सरोजा सहदेवन ने किया। इस कार्यशाला में डायरेक्टर ऑपरेशंस आशुतोष सिंह, विद्यालय के प्रिंसिपल अमित जॉय, अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं छात्र उपस्थित रहे। कार्यशाला में महोदया ने बताया कि किस तरह MBS के बच्चे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक्टिविटीज ओरिएंटेड लर्निंग को अपनाने वाले हैं, एवं उन्होंने यह भी बताया कि यह विद्यालय इम्पावरिंग मोड की दिशा में आगे बढ़ेगा। देखिए हमारे संवाददाता साजन अग्रहरी की रिपोर्ट। मैं MBS कॉन्वेंट स्कूल का प्रिंसिपल नाम अमित जॉय क्या चर्चा हुई और क्या उसका परिणाम निकल के आया? उस जो हमारे यहाँ वर्कशॉप हुआ, जो कार्यशाला हुई, उसमें उसका जो संचालन किया श्रीमती सरोजा सहदेवन जी ने, जो हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं, उनका मेन जो मुख्य बिंदु ये था कि जो परिवर्तन हो रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसमें मेन जो इम्फेसिस है कि ये एजुकेशन जो शुरू होगा, जो हमारे विद्यालय में 6 दिसंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आने वाले मंडे से, उसमें जो एजुकेशन होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होगी। थोड़ा सा हम उनका बोझ कम करेंगे, बच्चों का जो बैग का बोझ है, किताबों की संख्या है, वो कम करते हुए हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उनको एक्टिविटी बेस्ड करें, हम उनको वो एजुकेशन दें जिसमें वो किसी भी चीज़ को सिर्फ पढ़े नहीं, समझे नहीं, उसको फील कर सकें। जो टच एंड फील वाली जो बात है, वो इस नई शिक्षा प्रणाली उसका समर्थन करते हैं और वो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसका कार्यक्रम जो वर्कशॉप हुआ, क्या उसमें स्टूडेंट और पेरेंट्स टीचर्स सबकी सहभागिता थी या केवल? इसमें वर्कशॉप में ये इंटरेक्टिव वर्कशॉप था, इसमें जो संचालिका बता रही थी उसके आधार पर जो हमारे अभिभावक थे, हमारे शिक्षक थे, हमारे जो स्टूडेंट थे, क्योंकि बड़े बच्चे ज़्यादा क्योंकि बोलने में हैं वो आगे, तो वो ज़्यादा उनका जो है, लेकिन इसको हम लोगों ने इंटरेक्टिव रखा था, ये वन वे नहीं था, दोनों तरफ से आगे बढ़ रहे, दोनों तरफ से बातें हो रही थी, ओपिनियन भी हम लोग शेयर कर रहे थे, आपका क्या ओपिनियन है, अगर हम मान लीजिए 7th पीरियड है हम उसको देना चाहते हैं कि कुछ एक्टिविटी करवाया जाए, जैसे मान लीजिए हम गैस पढ़ा रहे हैं कुछ किसी चीज़ को, किसी कोई रासायनिक परिवर्तन पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको करके दिखाएं, उसको फील करवाएं, ताकि प्रैक्टिकली फील कराएं, ताकि उसको उसके मस्तिष्क को उसका पूरा जो है अनुकूल प्रभाव पड़े।